क्लास में हम लोग देख रहे थे बीटा इमिशन, यानी डीके थ्योरी बता रहे थे, थ्योरी ऑफ रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन। उसमें हम लोग देखे थे अल्फा डीके और बताया कि किसी भी न्यूक्लियस से अगर अल्फा डीके होता है, एक अल्फा डीके होता है, तो जो डाउटर न्यूक्लियस फॉर्म करता है उसका पेरेंट न्यूक्लियस के साथ आइसोडायस्फेयर का रिलेशन है। अल्फा डीके क्यों हुआ? तो अल्फा डीके होने से एन और पी दोनों में चेंजिंग आता है। तो अल्फा डीके ये बताता है कि जो पेरेंट न्यूक्लियस है वो ज़्यादा हैवी है, और ज़्यादा हैवी होने की वजह से उसका न्यूक्लियस डीके किया अल्फा के रूप में, ताकि उसका न्यूक्लियस जो है वो हल्का हो जाए, छोटा हो जाए। आज हम लोग देख रहे हैं बीटा डीके। तो यहाँ देखें बीटा डीके, न्यूक्लियर रिएक्शन आप क्या लिखेंगे? अगर एक्स जेड ए ये पेरेंट न्यूक्लियस है और इससे एक बीटा डीके हुआ, तो ये माइनस माइनस प्लस, एटॉमिक नंबर आप बैलेंस करेंगे और एटॉमिक मास बैलेंस करेंगे। न्यूक्लियर रिएक्शन में एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास ही बैलेंस करते हैं। तो जो डाउटर न्यूक्लियस यहाँ फॉर्म करेगा वाई, तो उसका एटॉमिक नंबर एक से बढ़ जाएगा और एटॉमिक मास जैसे हैं वैसे ही रह जाएगा। अब देखिए यहाँ पे एक रिलेशन बना पेरेंट और डाउटर के बीच में, कि पेरेंट का जो एटॉमिक मास है वही एटॉमिक मास डाउटर का भी है, सिर्फ चेंज किस में आया? तो एटॉमिक नंबर में। एटॉमिक नंबर यानी प्रोटॉन चेंज हो गया। तो ये जो पेरेंट और डाउटर के बीच का रिलेशन है, अगर एटॉमिक मास सेम हो, एटॉमिक नंबर डिफर करे, तो आप पढ़े होंगे इसको आइसोबार कहते हैं, है ना? ये क्या है? आइसोबार है, यानी एटॉमिक नंबर सेम, आइसोटोप, आइसोबार, आइसोस्टर, आइसोडायस्फीयर, ये सब पढ़े होंगे आप रिलेशन एलिमेंट का। तो यहाँ पे एटॉमिक मास सेम है और एटॉमिक नंबर वेरी कर रहा है, इसलिए रिलेशन क्या हो गया? आइसोबार का, एटॉमिक मास सेम होने की वजह से। दूसरी बात कि एटॉमिक नंबर प्रोटॉन नंबर को बताता है, तो एटॉमिक नंबर यहाँ बढ़ गया, इसका मतलब प्रोटॉन बढ़ गया। तो बीटा डीके होने से न्यूट्रॉन जो है इसका, इस पेरेंट न्यूक्लियस का जो न्यूट्रॉन है वो चेंज हो गया किसमें? प्रोटॉन में। किसमें चेंज हो गया? प्रोटॉन में। तो ये एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ऑन डिकेइंग बीटा फ्रॉम ए पेरेंट न्यूक्लियस, पेरेंट न्यूक्लियस न्यूट्रॉन चेंजेस इनटू प्रोटॉन। ये भी एक जो लिखे यहाँ रिलेशन, ये भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि पेरेंट न्यूक्लियस से अगर बीटा डीके हो तो पेरेंट और डाउटर एलिमेंट के बीच कैसा रिलेशन होगा? तो आइसोबार का। अल्फा डीके में भी बताए थे, वहाँ आइसो डायस्फेयर का रिलेशन था और बीटा डीके होने पे आइसोबार का। और दूसरी बात यहाँ एक ऑब्जेक्टिव कि बीटा डीके होने पर क्या होता है? न्यूट्रॉन चेंज कर जाता है किसमें? प्रोटॉन में। देखिए यहाँ पे न्यूट्रॉन का जब ब्रेकिंग होगा N01, तो ये डीके होने पर P+11 यानी प्रोटोन देता है, और इलेक्ट्रॉन -10। ये जो इलेक्ट्रॉन है न्यूक्लियस से निकला है, ये इलेक्ट्रॉन यही बीटा है, यानी आप लिखे थे कि बीटा को हम लोग इलेक्ट्रॉन के रूप में भी सिंबल देते हैं, बीटा यानी इलेक्ट्रॉन लाइक पार्टिकल। तो न्यूट्रॉन कहाँ रहता है? न्यूक्लियस में।
और न्यूक्लियस से टूटने के बाद प्रोटॉन फॉर्म किया तो साथ में क्या इमिट हुआ, बीटा। यानी यहाँ जो ये इलेक्ट्रॉन है न्यूक्लियस से निकला हुआ पार्टिकल ये बीटा के रूप में है, यानी बीटा है। तो यहाँ पर न्यूट्रॉन चेंज हो गया किस में, प्रोटॉन में, इसलिए एक यहाँ बढ़ गया। तो यहाँ पे क्यों बीटा डीके हुआ, तो बीटा डीके इसलिए हुआ कि पेरेंट न्यूक्लियस के पास न्यूट्रॉन ज्यादा था प्रोटॉन से, इसलिए प्रोटॉन न्यूट्रॉन चेंज हो गया किस में, प्रोटॉन में। तो आप लिखेंगे बीटा डीके अकर्स फ्रॉम पेरेंट न्यूक्लियस बिकॉज द पेरेंट न्यूक्लियस कंसिस्ट्स ऑफ मोर न्यूट्रॉन देन प्रोटॉन, इसलिए यहाँ पे बीटा डीके होता है। और बीटा डीके होने पर एटॉमिक नंबर एक से बढ़ जाता है और एटॉमिक मास रिमेन कांस्टेंट रह जाता है। क्लियर है? तो यहाँ पे देखें हम लोग, ये बीटा डीके का केस था, एटॉमिक नंबर एक्स जेड ए बीटा डीके हुआ, माइनस माइनस प्लस, एटॉमिक नंबर एक से बढ़ गया, एटॉमिक मास सेम, पेरेंट डॉटर के बीच रिलेशन आइसोबार का, बीटा डीके होने पे क्या हुआ, तो जो पेरेंट और डॉटर न्यूक्लियस है उसके बीच आइसोबार का रिलेशन जब हुआ तो न्यूट्रॉन चेंज हो गया किस में, प्रोटॉन में। तो न्यूट्रॉन चेंजेज इनटू प्रोटॉन, बीटा डीके क्यों हुआ, तो बीटा डीके होने का सेंस है कि जो पेरेंट न्यूक्लियस है उसके पास न्यूट्रॉन ज़्यादा है किस से, प्रोटॉन से, इसलिए बीटा डीके हुआ। और बीटा डीके होने पर क्या हुआ, तो एटॉमिक नंबर एक से बढ़ गया और एटॉमिक मास सेम रह गया। तो यहां लिख देंगे ऑन डिकेइंग ए बीटा पार्टिकल फ्रॉम पेरेंट न्यूक्लियस, पेरेंट न्यूक्लियस एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस बाय वन एंड एटॉमिक मास रिमेंस सेम। क्लियर है? अब देखिए यहां पे इलेक्ट्रॉन कैप्चरिंग, नेक्स्ट पॉइंट, इलेक्ट्रॉन कैप्चरिंग और पॉजिट्रॉन इमिशन, इलेक्ट्रॉन कैप्चरिंग और पॉजिट्रॉन इमिशन, इलेक्ट्रॉन जोड़ा जाए या पॉजिट्रॉन को न्यूक्लियस से बाहर किया जाए, इससे क्या होगा। तो जैसे इसका न्यूक्लियर रिएक्शन लिखेंगे आप एक्स जेड ए, अगर इलेक्ट्रॉन कैप्चरिंग हुआ तो माइनस वन जीरो, ये माइनस प्लस माइनस, तो एटॉमिक नंबर एक से घट जाएगा, तो जो डाउटर न्यूक्लियस बनेगा वाई उसके एटॉमिक नंबर में एक से कमी और एटॉमिक मास जो है वो सेम। क्लियर है? एटॉमिक नंबर एक से क्या हो गया, घट गया और एटॉमिक मास सेम। अगर पॉजिट्रॉन भी यहां से हम डीके करवाते हैं, पॉजिट्रॉन E प्लस वन जीरो, तो प्लस माइनस माइनस, जो डाउटर न्यूक्लियस बना
एटॉमिक नंबर एक से माइनस हो गया, एटॉमिक मास सेम। यहां भी एटॉमिक नंबर वेरी किया, एटॉमिक मास सेम रह गया, तो यहां भी पेरेंट और डॉटर के बीच का रिलेशन क्या होगा, एटॉमिक मास सेम होने की वजह से आइसोबार। और यहां पे क्या हुआ, तो एटॉमिक नंबर घटा है, इसका मतलब प्रोटॉन घट गया, न्यूट्रॉन बढ़ गया। तो यहां पे अब इसके बारे में क्या लिखेंगे आप, तो लिखते हैं पॉजिट्रॉन डीके या इलेक्ट्रॉन कैप्चरिंग, पॉजिट्रॉन डीके और इलेक्ट्रॉन कैप्चरिंग बाय अ पेरेंट न्यूक्लियस ड्यू टू या बिकॉज ऑफ द पेरेंट न्यूक्लियस consists of more proton than neutron, क्योंकि proton यहाँ पे घट रहा है और neutron बढ़ रहा है। proton घटेगा तो स्वाभाविक है neutron बढ़ेगा। तो यहां देखें पॉजिट्रॉन डीके और इलेक्ट्रॉन कैप्चरिंग बाय अ पेरेंट न्यूक्लियस बिकॉज ऑफ द पेरेंट न्यूक्लियस कंसिस्ट्स ऑफ मोर प्रोटॉन देन न्यूट्रॉन, क्लियर है। ऑन डीकेइंग पॉजिट्रॉन और by capturing electron proton of parent nucleus, क्या होगा, parent nucleus का proton decrease कर जाएगा, तो proton of parent nucleus decreases है ना, इसका मतलब that is ये objective question हो गया, proton changes into neutron यानी proton plus one one, अगर प्रोटॉन ब्रेक होगा तो इसका ब्रेकिंग न्यूट्रॉन में और प्लस एक पॉजिट्रॉन साथ में निकलेगा, तो न्यूक्लियस से पॉजिट्रॉन का डीके हुआ। तो यहाँ पे अगर हम लिखते हैं इसको प्रोटॉन, तो प्रोटॉन ब्रेक होगा किसमें, न्यूट्रॉन में और पॉजिट्रॉन में, इस तरह इसका न्यूक्लियर रिएक्शन होगा। अब देखें हम लोग यहाँ पे कि गामा डीके, ये एक डीके जो है आपका, इसको देखिए गामा डीके, अगर किसी पेरेंट न्यूक्लियस से जैसे एक्स जेड ए, और यहां स्टेरिक साइन देते हैं, स्टेरिक साइन जो यहां दिख रहा है ये बता रहा है कि पेरेंट न्यूक्लियस में एनर्जी ज्यादा है। स्टेरिक साइन यहां पर जो देख रहे हैं, ये जो आप मार्क देख रहे हैं, ये लीड करता है, लेट्स दैट द पेरेंट न्यूक्लियस कंसिस्ट्स ऑफ हाई एनर्जी, क्लियर है। तो यहां देखें क्योंकि
गामा के पास न तो चार्ज है ना मास है, और आपको पता है इसके बारे में बताए हैं, पीछे लिखे हैं आप लास्ट क्लास में, कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। क्या है ये? इलेक्ट्रो मैग्नेटिक रेडिएशन है। तो एनर्जी में डिफरेंसेस आ जाएगा पैरेंट और डाउटर न्यूक्लियस के बीच, बाकी एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास में, प्रोटॉन में, न्यूट्रॉन में किसी तरह का कोई चेंजिंग नहीं आएगा, क्योंकि ये पार्टिकल एमिशन नहीं है, एनर्जी एमिशन है। इसलिए यहाँ एक मार्क हम बताएं कि अगर पैरेंट न्यूक्लियस है उस पर स्टार लिखा हुआ है, इसका मतलब यहाँ पे समझ लें कि ये जो स्टेरिक साइन है ये बता रहा है कि इस न्यूक्लियस की एनर्जी हाई है। तो फिर आप लिखेंगे एक्स जेड ए, और गामा इमिशन के केस में अगर एलिमेंट डाउटर बनाएंगे आप, तो डाउटर एक्स ही रहेगा, एलिमेंट बदलेगा नहीं, क्योंकि एटॉमिक नंबर यहाँ नहीं बदल रहा है, और गामा का इमिशन एटॉमिक नंबर पे कोई फर्क नहीं डाल रहा है। तो ऐसे स्थिति में एलिमेंट सेम रह जाएगा, जो पेरेंट है वही डाउटर है, एटॉमिक नंबर एटॉमिक मास सेम रह जाएगा, और साथ में यहाँ गामा के रूप में एनर्जी के रूप में गामा पार्टिकल निकलेगा, साथ में एनर्जी के रूप में, जो एनर्जी यहाँ ज्यादा था वो एनर्जी के रूप में यहाँ से क्या निकल जाएगा, गामा पार्टिकल का इमिशन हो जाएगा, क्योंकि गामा डीके या गामा रेडिएशन ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डीके है या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन मतलब एनर्जी चेंजेस। तो पेरेंट न्यूक्लियस जो है इसकी एनर्जी हाई है, अगर ये गामा को डीके करता है मतलब ये अपनी एनर्जी को लो कर रहा है, लेकिन इसका एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास सेम रहेगा, जो पेरेंट एलिमेंट है वही डाउटर है, एलिमेंट यहाँ चेंज नहीं होगा। तो इस तरह से हम लोग देख रहे थे थ्योरी ऑफ रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन या डीके, इस बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे। अब देखिए यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात बता रहे हैं, ध्यान देंगे कि अगर ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा, ये ध्यान रखेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा, याद रखिएगा इसको, एक्सपेरिमेंटल है ये, इसमें कोई कॉन्सेप्ट बिना एक्सपेरिमेंट का पता चलेगा नहीं, लेकिन याद रखना है इसको, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। अगर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन और स्टेबल न्यूक्लियाई है ना, अगर प्रोटॉन किसी एलिमेंट का इवेन है, इवेन मतलब जो संख्या है वो इवेन नंबर है, और न्यूट्रॉन भी इवेन है ना, तो प्रोटॉन भी इवेन, न्यूट्रॉन भी इवेन, तो जो स्टेबल न्यूक्लियाई फॉर्म करेगा, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई याद रखिएगा 157 स्टेबल न्यूक्लियाई फॉर्म करेगा, ये एकदम दिमाग में फिट रखिए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से रहा है कि जब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ऑड हो, दोनों ऑड हो, तो कितने नंबर ऑफ न्यूक्लियाई स्टेबल न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन होगा, क्योंकि हम लास्ट क्लास में भी आपसे चर्चा किए हैं कि रेडियो एक्टिविटी रिएक्शन जो है ये एक चेन रिएक्शन है, यानी कोई भी पेरेंट न्यूक्लियस तब तक पार्टिकल को डीके करते रहेगा जब तक स्टेबल न्यूक्लियस का फॉर्मेशन, स्टेबल न्यूक्लियस की प्राप्ति न हो जाए तब तक डीके होगा। इसलिए ये ध्यान रखिए कि प्रोटॉन इवेन हो, न्यूट्रॉन इवेन हो, तो यहाँ पे स्टेबल न्यूक्लियाई 157 फॉर्म करेगा। अगर ये इवेन हो और न्यूट्रॉन ऑड हो तो 52 स्टेबल न्यूक्लियाई फॉर्म करेगा। अगर ये ऑड हो और ये इवेन हो तो यहाँ 50 स्टेबल न्यूक्लियाई फॉर्म करेगा, और दोनों अगर ऑड हो तो यहाँ सिर्फ 5 स्टेबल न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन होगा,
ये आपके एग्जाम में पूछा हुआ है कि अगर प्रोटॉन न्यूट्रॉन ऑड हो तो स्टेबल न्यूक्लियाई कितना फॉर्म करेगा, ये पूछा हुआ है। तो ये इसमें चार तरह का कंडीशन दिमाग में रखिएगा, कोई भी पूछ सकता है। अगर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इवन इवन हो तो नंबर ऑफ स्टेबल न्यूक्लियाई कितना फॉर्म करेगा, 157। अगर ये इवन और ऑड हो तो स्टेबल न्यूक्लियाई क्या फॉर्म करेगा, 52। अगर ये ऑड और ये इवन हो न्यूट्रॉन तो 50, और दोनों ऑड हो तो 5। ये दिमाग में रखेंगे, इम्पॉर्टेंट मैटर है, ध्यान देंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। अब देखिए यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट बात हम आपसे कर रहे हैं, रेडियो एक्टिविटी सीरीज क्या होता है। रेडियो एक्टिविटी सीरीज ये क्या है, रेडियो एक्टिविटी सीरीज किसको कहते हैं, ये चार पार्ट में बांटा गया है। ये जो सीरीज है इसको चार भाग में बांटा गया है, ये डीके सीरीज कहलाता है, जिसमें एक को कहा गया फोरेन सीरीज, जिसको आप थोरियम सीरीज भी कहते हैं, और ये नेचुरल सीरीज है, नेचुरल सीरीज है ये, है ना। इसमें क्या याद रखना है आपको वो हम बता रहे हैं, पहले पार्ट कर दें इसको। सेकेंड है इसमें फोरेन प्लस वन सीरीज, है ना। ये जो सीरीज है इसको आप कहते हैं नेपच्यूनियम सीरीज, ये सिंगल सीरीज है जो आर्टिफिशियल है, और थर्ड में आ जाए फोरेन प्लस टू सीरीज, इसको आप यूरेनियम सीरीज कहते हैं। और ये भी नेचुरल सीरीज है, क्लियर है। और एक और सीरीज यहां देखें, ये लिख लिए होंगे आप लोग। नेक्स्ट देखें हम लोग एक और सीरीज, यहां देखें जो चौथा सीरीज है इसका, ये है आपको फोर एन प्लस थ्री सीरीज, जिसको एक्टिनियम सीरीज कहते हैं। और ये भी नेचुरल सीरीज है ना। इसमें ध्यान क्या रखना है वो हम बता रहे हैं। अब बारी बारी से देखिए, रेडियो एक्टिविटी सीरीज कितने तरह का, चार, फोरेन सीरीज जिसको थोरियम सीरीज कहते हैं जो नेचुरल सीरीज है, दूसरा फोरेन प्लस वन सीरीज जिसको नेपच्यूनियम सीरीज कहते हैं, ये सिंगल सीरीज है जो आर्टिफिशियल है, फोरेन प्लस टू सीरीज जिसको यूरेनियम सीरीज कहते हैं और ये भी नेचुरल सीरीज है, और एक है फोर एन प्लस थ्री सीरीज जिसको एक्टिनियम सीरीज कहते हैं और ये भी नेचुरल सीरीज है। तो अब बारी बारी से देखिए कि ये जो चार सीरीज में हम लोग रेडियो एक्टिविटी सीरीज देखते हैं, ये एक डीके सीरीज है, डीके सीरीज मतलब डिसइंटीग्रेशन का सीरीज है। कोई भी रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस जो डिके करेगा वो इन्हीं चार सीरीज में से किसी एक सीरीज को फॉलो करेगा। तो अब जैसे देखें यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं फोर एन सीरीज, जिसको क्या कहे आप, थोरियम सीरीज, है ना, नेचुरल सीरीज। ये फोर एन क्यों लिखा गया, तो यहां देखिए हर सीरीज का पेरेंट न्यूक्लियस डेफिनेट है
और डाउटर न्यूक्लियस भी डेफिनेट है हर सीरीज का, इसलिए इसका सीरीज नाम पड़ा 4n सीरीज, 4n प्लस 1, क्योंकि हर सीरीज का पेरेंट और डाउटर न्यूक्लियस डेफिनेट है। जैसे कहे थोरियम सीरीज, तो ये पेरेंट न्यूक्लियस इसका थोरियम होगा, ये डेफिनेट है। डीके जो होगा थोरियम का होगा। अब थोरियम का एटॉमिक नंबर तो डेफिनेट है 90, हर एलिमेंट का एटॉमिक नंबर डेफिनेट, लेकिन एटॉमिक मास ऐसा हो, कॉरेस्पॉन्डिंग मास ऐसा हो थोरियम का जो 4 से कंप्लीट कट जाता हो। अगर हम यहां पे 232 रख दें तो यहां पे क्या होगा, ये 4 से कंप्लीट कट जाएगा। 228 रख दें तो क्या होगा, 4 से कंप्लीट कट जाएगा, मतलब इस कॉरेस्पॉन्डिंग होना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि 500 रख देंगे एटॉमिक मास, ऐसा नहीं, एटॉमिक मास इसका जो होता है 230, 231, 32, 35 ये हो सकता है एटॉमिक मास। तो इसका ऐसा मास लेना है जो 4 से कंप्लीट कटना चाहिए। एटॉमिक मास यहाँ पे 4 से कटने वाला लेना है, और एटॉमिक मास एलिमेंट के कॉरेस्पॉन्डिंग होना चाहिए एटॉमिक मास, कुछ भी ले लेंगे ऐसा नहीं, कॉरेस्पॉन्डिंग होना चाहिए। 230 होता है, 231 होता है इसका, 228 होता है, इस तरह से 32, 33 ये इसका एटॉमिक मास हो सकता है। तो उसमें से ऐसा एटॉमिक मास हो जो 4 से कंप्लीट कट जाए। ये हो गया पेरेंट न्यूक्लियस, और इसका डाउटर न्यूक्लियस लेड होता है। ऑलमोस्ट जो भी सीरीज आप देख रहे हैं ना चारों, उसका डाउटर न्यूक्लियस लेड ही है। तो यहां पे लेड का एटॉमिक नंबर 82 और एटॉमिक मास 208 ले लें, 4 से ये भी कट जाएगा। तो ये फिक्स होना चाहिए कि पेरेंट न्यूक्लियस का एटॉमिक मास और डाउटर न्यूक्लियस का एटॉमिक मास 4 से कंप्लीट कट जाए, रिमाइंडर नहीं बचे। इसका मतलब हम समझ जाएंगे कि ये 4n सीरीज का है। ये क्यों दिमाग में रखना है, क्या ऑब्जेक्टिव है यहां से? जैसे 4-5 एलिमेंट दे देगा आपको और कहेगा इनमें से आप पहचाने कि कौन सा एलिमेंट 4n सीरीज का है, तो आपको वहां क्या पहचानिएगा, कैसे पहचानिएगा? तो एटॉमिक मास जिस एलिमेंट का 4 से कंप्लीट कट जाए, इसका मतलब आप समझ लेंगे कि वो 4n सीरीज का है। यही पहचानने का तरीका है, यही क्वेश्चन है आपसे ऑब्जेक्टिव, कि ऑप्शन 4 दे देगा, उसमें अलग अलग एलिमेंट दे देगा, हर एलिमेंट का एटॉमिक मास लिखा रहेगा, कहेगा कि इसमें 4n सीरीज का एलिमेंट कौन है, तो आपको उसके एटॉमिक मास को 4 से डिवाइड करना है। जिसका एटॉमिक मास 4 से पूरा कट जाए, रिमाइंडर नहीं बचे, इसका मतलब है वो 4n सीरीज का है। जैसे यहाँ पे अगर 232 को आप 4 से डिवाइड करेंगे तो 2, और देखिए 8 बार में 32 कट गया, रिमाइंडर 0। आप ये कैसे निकालिएगा इसका वैल्यू? तो जो 58 है इसको गुना कीजिएगा 4 से और रिमाइंडर जोड़िएगा, तो 4 × 58 + 0 बराबर ये आना चाहिए, 4 × 58 + 0 = 232 आना चाहिए। इसलिए क्या हो गया, 4n सीरीज, n यहाँ 58 है। उसी तरह से 208 में भी अगर 4 से डिवाइड करेंगे आप, तो यहाँ 20 कैंसिल, 8 हो गया, ये कैंसिल 0। अब देखिए 4n + 0 है ना बराबर 208, तो 4n सीरीज, क्लियर है? नेक्स्ट देखें 4n + 1 सीरीज, ये आप कहे क्या नेपच्यूनियम सीरीज है, और ये सिंगल सीरीज है जो आर्टिफिशियल सीरीज कहलाता है, है ना? इसका पेरेंट न्यूक्लियस नेपच्यूनियम, जिसका एटॉमिक नंबर 93, और डाउटर न्यूक्लियस इसका बिस्मथ, है ना, जिसका एटॉमिक नंबर 83। अब देखें
कि इसमें 4n+1 यानी कि इसका एटॉमिक मास ऐसा हो जो 4 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर एक बचना चाहिए, एक बचना चाहिए, एक रिमाइंडर बचना चाहिए। क्लियर है? तो कैसा ले ले, 237 ले ले। देखिए यहाँ पे एक बच जाएगा और इसको 209 ले ले, है ना। देखिए 237 डिवाइड करेंगे 4 से, 20 3 7, 36 एक बच गया। देखिए 4n+1, उसी तरह 209 को डिवाइड करेंगे 4 से, 20 कैंसिल 9, 8 1, 4n+1। इसलिए ध्यान रखेंगे कि नेपच्यूनियम सीरीज का पैरेंट न्यूक्लियस क्या हो जाएगा, NP, और डाउटर न्यूक्लियस हो जाएगा BI। एटॉमिक मास ऐसा हो जो 4 से कटे और रिमाइंडर एक बचे, दोनों का, पैरेंट का भी और डाउटर का। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताते हैं बाकी दो सीरीज को, अगले दो सीरीज को अगले वीडियो में।